Hello friends, welcome to National and International Affairs. In this video, we are going to deal with the today's Hindu newspaper, or you can say editorial section of the Hindu newspaper, in which, as you can see, the heading is Eastern Hedge. Right? Eastern Hedge का मतलब क्या होता है? Eastern का मतलब होता है जो Eastern के countries होते हैं. Hedge का मतलब होता है protection. जो hedge का मतलब क्या है? तो protection. प्रोटेक्शन हम बोल सकते हैं, सेफ गार्ड बोला जाता है, इसका मतलब सेफ गार्ड होता है, यानी कि ईस्टर्न ईस्टर्न प्रोटेक्शन इसे बोल सकते हैं. आते हैं हेडिंग पे, इंडिया नीड्स टू बिल्ड क्लोजर टाई. टाई का मतलब क्या है? बोंड, संधि. ठीक है, टाई का मतलब हम बोंड बोल सकते हैं, कनेक्शन बोल सकते हैं, कनेक्शन बोला जा सकता है, लिंक बोला जा सकता है, किनसिप. सो इंडिया को किस चीज की जरूरत है? सो इंडिया को अभी जरूरत है, ये देखो, इंडिया को अभी जरूरत है और भी अच्छे से संबंध बांधने की. किनके साथ? विथ एशियन. एशियन का मतलब क्या है? एशियन का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये एक ग्रुपिंग है. ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ग्रुप है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता पे है. जकार्ता जो कि इंडोनेशिया का कैपिटल हुआ करता था, इंडोनेशिया. ठीक है, और इसका फॉर्मेशन की बात करें तो 1967 में इसका फॉर्मेशन हुआ था. ये याद रखना, इसका 10 मेंबर्स कंट्री होते हैं, बुर्नेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपाइन, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सब इनका मेंबर्स होते हैं. सो इंडिया को अभी जरूरत क्या है? अच्छे से संबंध बांधने की. किनके साथ? एशियन कंट्री के साथ. किस लिए? फॉर इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक रीजन, इकोनॉमिक कारण के लिए और स्ट्रैटेजी के लिए. ठीक है, देखते हैं. हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी, व्हिसल स्टॉप समिट सर्जन टू द इंडोनेशियन कैपिटल ऑफ जकार्ता अर्लियर दिस वीक वॉज प्राइमरीली एम्ड एट डीपनिंग इंडियाज एंगेजमेंट विद द इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट ग्रुपिंग ऑफ 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशन. इसका मतलब क्या है? व्हीसिल स्टॉप का मतलब क्या होता है? व्हीसिल स्टॉप का मतलब वेरी फास्ट होता है, वेरी फास्ट होता है. समिट का मतलब पता है आपको, मीटिंग होता है. और सर्जन का, सोजन का मतलब क्या होता है? टेम्पोररी स्टे, टेम्पोररी स्टे बोल सकते हैं. अगर आप किसी जगह पे जाके बहुत कम समय के लिए रहें तो उसको हम बोलेंगे सर्जन. तो ये जो प्राइम मिनिस्टर अभी विजिट कर रहे हैं ना, व्हीसिल समिट सर्जन का मतलब क्या है? मतलब ऐसे थोड़े देर के लिए जाके चले आना, इसको व्हीसिल समिट सर्जन बोलते हैं. जैसे कि आप, मतलब सगाई किसी की हो रही है, किसी का वेडिंग हो रहा है, अब अपना भाई का वेडिंग हो रहा है और आप कार्ड बांटने जा रहे हो. अभी आपका ये फर्ज बनता है कि आप सभी घर में जाके क्या करोगे, कुछ कुछ टाइम के लिए रहोगे, मतलब 15-20 मिनट के लिए रहोगे, बातचीत करोगे, फिर आओगे. आप तो एक दिन नहीं रह सकते. सो इसी, ये जो टेम्पररी आप वहां पर रहे, इसको क्या बोलेंगे? व्हीसिल स्टॉप समिट सर्जन टू द इंडोनेशियन कैपिटल जकार्ता. कहाँ पर ये गए थे? ऐसे ही मतलब ये टेम्पररी टाइम के लिए कहाँ पर गए थे? इंडोनेशिया का कैपिटल जो है वो जकार्ता, वहां पर गए थे अर्लियर दिस वीक. यानी कि ये जो वीक है, इसी वीक के पहले पहले गए थे. व्हाट्स प्राइमरीली एम्ड, किसी के किसके कारण गए थे? इसका उद्देश्य ये था कि एट डीपनिंग इंडियंस इंडी इंडी इंडियास एंगेजमेंट. डीपनिंग का मतलब स्ट्रोंग करना, स्ट्रोंग, स्ट्रेंदनिंग, स्ट्रेंदनिंग. तो क्यों गए थे ये? क्योंकि हमारा जो प्राइमरी उद्देश्य क्या था, वो इंडिया इंडिया का जो एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट का मतलब फ्रेंडशिप, इंडिया का फ्रेंडशिप को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, और भी स्ट्रेंथन किया जाए. किनके साथ? विद द इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट ग्रुपिंग. ये जो एक ग्रुप है जो कि इकोनॉमी
सिग्निफिकेंट है, इकोनॉमिकली बहुत हमारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसी ग्रुपिंग के साथ हम संबंध बनाए, अच्छे से फ्रेंडशिप बनाए, ये इसी का एम था। प्राइम मिनिस्टर का विजिट था, विजिट का एम ही यही था। ऑफ 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, जो कि एशियन का पार्ट है। इतने तक समझ में आया? फिर देखते हैं, कमिंग ऑन द ईव ऑफ इंडिया होस्टिंग ऑफ द G20 समिट इन न्यू दिल्ली। कमिंग ऑन द ईव ऑफ, ईव का मतलब क्या होता है? ईव का मतलब होता है हमारा द डे और पीरियड ऑफ टाइम इमिडिएटली बिफोर एन इवेंट और ओकेजन, यानी कि एक अच्छा मुहूर्त, मतलब अच्छा सा चीज होने वाला है उसी, मतलब वो अच्छा सा चीज होने से पहले जो टाइम को उसको ईव बोलते हैं। जैसे कि अभी G20 समिट होने वाला है, तो समिट्स अभी बहुत बहुत वर्ल्ड के लीडर आके इंडिया में स्टे करके रहे हैं, तो इसी के पीछे का पीरियड को क्या बोलेंगे? ईव बोलेंगे। कमिंग ऑन द ईव ऑफ इंडिया होस्टिंग ऑफ, यानी कि ये जो न्यू मतलब गए थे प्राइम मिनिस्टर गए थे, ये कब गए थे? अभी अभी मतलब G20 समिट होने से पहले ही गए थे इन न्यू दिल्ली, एज द करेंट होल्डर ऑफ ब्लॉक्स प्रेसिडेंसी। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली कौन है? न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। सो इंडिया हमारा क्या है अभी? करेंट होल्डर, अभी इंडिया G20 का प्रेसिडेंसी को संभाल रहा है। ब्लॉक्स का मतलब ग्रुप होता है, तो जो G20 ग्रुप है उसी ग्रुप का प्रेसिडेंसी कौन संभाल रहा है? इंडिया संभाल रहा है। मिस्टर मोदीज प्रेजेंस एट एनुअल एशियन इंडियन समिट वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू सीमेंट ट्रेडिशनल टाइज विद द नाइबरिंग एशियन इकोनॉमीज एट ए टाइम ऑफ हाइटेन ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी। ये जो मिस्टर मोदी गए थे, कहाँ पर गए थे? एशियन कंट्री में गए थे, जो कि एशियन कंट्री का क्या होता है? एक समिट होता है हर वक्त, मतलब ये बैठक बैठाते हैं, हर साल ये बैठक बैठाते हैं। तो इसी बैठक में जो हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का प्रेजेंस था, वाच एन अपॉर्चुनिटी, ये एक बहुत बड़ा सुजग की तरह देखा जाएगा, ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था इंडिया के लिए टू सीमेंट ट्रेडिशनल टाइज। किस किस ये क्यों अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी क्यों था? टू सीमेंट, सीमेंट का मतलब क्या है? सीमेंट का मतलब जोड़ना, ज्वाइंट करना, ठीक है, मतलब टाई अप करना, टाई अप करना। तो सीमेंट ट्रेडिशनल टाइज, ट्रेडिशनल टाइज का मतलब जो रिलेशन अभी दशकों से, मतलब शताब्दियों से चले आ रहे हैं, उसी रिलेशन को फिर से नया करना, ये हमारा इस नए करने के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होगा विद द नाइबरिंग एशियन इकोनॉमीज एट ए टाइम ऑफ हाइटनिंग ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी। तो इनके साथ, किनके साथ? मतलब एशियन के कंट्री के साथ, एशियन जो ग्रुपिंग है उनके कंट्री, उस कंट्री के साथ हम एक अच्छा सा रिलेशन बनाएंगे, ये हमको अपॉर्चुनिटी मिला मिला। और ये किसी टाइम में हो रहा है? एट द टाइम ऑफ हाइटेंड ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, हाइटेंड का मतलब क्या होता है? हाइटेंड का मतलब मोर इंटेंस देन नॉर्मल, यानी कि कोई भी चीज हद से ज्यादा हो तो उसको हाइटेंड बोलते हैं। ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी, ग्लोबल का जो ट्रेड हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, वो अभी अनसर्टेनिटी में है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी का मतलब डाउट होता है, डाउट बोल सकते हैं, DOUBT, डाउट बोला जा सकता है, क्वाल्म बोला जा सकता है, QUALM, क्वाल्म बोलते हैं, ठीक है, डायलेमा बोल सकते हैं, DILEMMA। तो अभी जो कि ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी चल रहा है, मतलब डाउट में है कि ये जो ट्रेड जो ग्लोबल में, ग्लोबली वर्ल्ड वाइड चल रहा है, ये मतलब कंसिस्टेंट रहेगा या फिर उतार चढ़ाव आने रहेंगे। तो इसी की परिस्थिति में प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे एशियन कंट्री के कंट्री का समिट को, जो कि एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। एक मतलब ट्रेडिशनल टाई बनाएंगे, ट्रेडिशनल मतलब संबंध बनाएंगे किनके साथ? एशियन कंट्री के साथ। आई थिंक इतने में आपको समझ में आया। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। फिर देखते हैं, एज द ट्रेड फैसिलिटेशन बॉडी UNCTAD, UNCTAD का मतलब क्या है? UNCTAD का मतलब है हमारा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड एंड डेवलपमेंट, सो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। ये क्या है? ये एक ट्रेड फैसिलिटेशन बॉडी, फैसिलिटेशन का मतलब ये ट्रेड को और भी ज्यादा क्या करता है? अच्छे से चलाता है, फैसिलिटेट करता है, बढ़ाता है,
फैसिलिटेट का मतलब क्या बताया जाएगा, इधर बढ़ाता है ट्रेड को, नोटेड इन इट्स, यानी कि ये एक नोटिस जारी किया, ये एक नोटिस जारी किया इन इट्स जून 21 ग्लोबल ट्रेड अपडेट, ये एक अपडेट देता है हर साल, तो कि 2023 में ये इस साल मतलब जून 21 में एक अपडेट दिया था, वहां पर इसने क्या लिखा था, द आउटलुक फॉर ग्लोबल ट्रेड इज द सेकेंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2023 इज पेसिमिस्टिक एज नेगेटिव फैक्टर्स इंक्लूडिंग डाउनग्रेडेड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरकास्ट, परसिस्टेंस इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटीज एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन डोमिनेंस। इसका मतलब क्या है, बहुत बड़ा सेंटेंस है, जो ये ग्लोबल ट्रेड अपडेट दिया था उस अपडेट में क्या लिखा था, एक आउटलुक था, मतलब एक आउटलुक का मतलब क्या, एक हम चिंता कर सकते हैं, आगे सोच सकते हैं, एक आउटलुक था, एक इमेज था, एक क्या था, इमेज था, एक सिनेरियो था, किसका सिनेरियो था, फॉर ग्लोबल ट्रेड की आगे आने वाले सेकेंड हाफ में, यानी कि ये जो 2023 का जो लास्ट 6 मंथ है, इसी टाइम में ग्लोबल ट्रेड कैसे बनेगा, इसी के बारे में एक रिपोर्ट जारी किया था, और वो रिपोर्ट क्या कह रहा था, इज पेसिमिस्टिक एज नेगेटिव, ये पेसिमिस्टिक होगा, पेसिमिस्टिक का मतलब क्या है, नेगेटिव होगा, ट्रेड थोड़ा नेगेटिव होगा, मतलब ट्रेड अच्छे से नहीं होने वाला है, ये कौन बताया था, UNCTAD, ये इसने बोला था, पेसिमिस्टिक का मतलब होता है, पेसिमिस्टिक का मतलब हम बोल सकते हैं नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव एज नेगेटिव फैक्टर, क्यों नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स अभी है, जैसे कि डाउनग्रेडेड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरकास्ट, डाउनग्रेडेड मतलब जो भी अब इकोनॉमी कौन कौन आगे बढ़ेगा कौन कौन आगे नहीं बढ़ेगा, फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, फोरकास्ट का मतलब होता है एक कैलकुलेशन और एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, एक कैलकुलेशन और एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, इसका मतलब होता है फोरकास्ट। फोरकास्ट का भी और भी हम वर्ड बता सकते हैं, जैसे कि प्रेडिक्शन बोलते हैं, प्रेडिक्शन एक अच्छा सा वर्ड है, ठीक है, फोर वार्निंग भी बोल सकते हैं, फोर वार्निंग, और प्रोग्नोसिस भी बोल सकते हैं, प्रोग्नोसिस बोला जाएगा, कैलकुलेशन बोल सकते हैं, कैलकुलेशन बोल सकते हैं, ठीक है, प्रोजेक्शन भी बोला जा सकता है, प्रोजेक्शन, JECTION, फोरकास्ट। सो देखते हैं फिर, क्योंकि पहले से ही फोरकास्ट कर दिया गया था, पहले से ही मतलब बताया दिया गया था कि ग्लोबल ये जो ट्रेड है वो डाउनवर्ड चलने वाला है, वो नेगेटिव में चलने वाला है। परसिस्टेंस इन्फ्लेशन, परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जस्ट वेट फॉर ए व्हाइल, एक वर्ड यहां पर आया परसिस्टेंस, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब होता है जो कंटिन्यू करने वाला है अभी, ठीक है, कंटिन्यू, कंटिन्यूइंग टू एग्जिस्ट, कंटिन्यूइंग टू एग्जिस्ट, अभी रहने वाला है कुछ समय के लिए, और अकर अवर ए प्रोलॉन्ग टाइम, और अकर अवर ए प्रोलॉन्ग टाइम, मतलब बहुत टाइम से अभी होके अभी है ये, जैसे कि इसका सिनोनिम बोला जा सकता है हम कांस्टेंट, अभी बहुत कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, नॉन स्टॉप है, नॉन स्टॉप, अनब्रोकन, ये अच्छा अच्छा वर्ड है, ये लिख लेना, इंटरमिनेबल, इंटरमिनेबल भी बोला जा सकता है, परसिस्टेंट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी वस्तु का नॉर्मल प्राइस है 10 रुपीज, अगर ये मतलब बढ़ के 20 रुपीज हो गया, सो ये जो प्राइस का राइज, सो राइज इन प्राइस, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, और परसिस्टेंस इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, जो इन्फ्लेशन बहुत दिनों के लिए रहने वाला है उसको परसिस्टेंट इन्फ्लेशन कहा जाता है, इसके वजह से क्या होता है, एक देश का अर्थव्यवस्था डाउन हो जाता है, अगर एक द्रव्य का उच्च मूल्य में बिका जाएगा, उच्च मूल्य में बिका जाएगा, तो उससे ऑब्वियसली कस्टमर जो हैं, आप और हम जैसे लोग जो ले रहे हैं इन चीजों को, वही सफर करेंगे, तो ये कंट्री के लिए खराब है, कंट्री के अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा खराब है, सो इसी के
चलते, ये सब इसी सब के लिए हमारा जो ग्लोबल ट्रेड है ये थोड़ा मतलब डाउन हो जाएगा, ये यूएन यूएन सीटीएडी ने बोला था। फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटीज, वल्नरेबिलिटीज का मतलब क्या होता है, वीकनेस, वीकनेस होता है, ठीक है। अब जो फाइनेंशियल वीकनेस है एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन डोमिनेट्स, और जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे हम बोल सकते हैं वॉर बिटवीन योर रूसिया एंड यूक्रेन, इसी के कारण ये जो डोमिनेट हुआ है, डोमिनेट का मतलब क्या है, डोमिनेट का मतलब यही इन्फ्लुएंस में है, इन्फ्लुएंस में है, यही मतलब अभी का अभी अभी जो सिनेरियो चल रहा है, अभी ये सब चल रहा है, इसीलिए ग्लोबल का जो ट्रेड होगा वो थोड़ा डिक्रीज होने वाला है। ये किसने बताया था, यूएनसीटीईडी ने, आई थिंक इतने तक में समझ में आ गया आपको। देन देखिए, अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, बैकड्रॉप का मतलब क्या होता है, एनवायरमेंट, सो ऑथर अभी कह रहे हैं कि फिलहाल छोड़ो ये तो सब होने वाला है, लेकिन इसी के चलते क्या हुआ, द जॉइंट लीडर स्टेटमेंट, जॉइंट लीडर्स मतलब बहुत सारे देशों ने क्या किया, बहुत सारे देशों को कंट्रियों का लीडर ने ये स्टेटमेंट जारी किया कि ये बात जारी किया कि ये बात रखा कि ऑन स्ट्रेंथनिंग फूड सिक्योरिटी, कि इसी के चलते ये जो ग्लोबल ट्रेड में अनसर्टेनिटी देखा जा रहा है, इसी के चलते हम स्ट्रेंथन करेंगे मतलब इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, इम्प्रूव करेंगे, स्ट्रोंग करेंगे, किसको, ना फूड सिक्योरिटी को। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, अगर कोई बच्चा मतलब फूड अच्छे से नहीं मिल रहा है उसको, तो ये फूड इनसिक्योरिटी हुआ, तो फूड कैसे मिल सकता है, मतलब आपको हमको तो फूड मिल रहा है, लेकिन ये देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं और लोग ऐसे भी हैं जिनको फूड का मतलब अच्छे से खाना तक नहीं मिल पाता। तो ये जो लीडर्स ने ये जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, ये बताए कि हम लोग फूड फूड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, एंड न्यूट्रिशन इन रेस्पॉन्स टू क्राइसिस। ये जो क्राइसिस हुआ था, हम बोल सकते हैं यूक्रेन रशिया क्राइसिस, या फिर परसिस्टेंस इन्फ्लेशन के चलते जो विभिन्न देश में जो जो अनसर्टेनिटी, जो जो प्रॉब्लम देखा जा रहा है, उसी प्रॉब्लम में हम फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन के लेवल को अच्छा करना चाहेंगे, जिससे कि जो लोग और बच्चे हैं वो ठीक टाइम से खाना मिल सके, उनको उनका न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट पूरा हो सके, ठीक है। एट द एशियन इंडियन समिट अंडरस्कोर, एट द एशियन अंडर एशियन इंडियन समिट अंडरस्कोर द शेयर वल्नरेबिलिटीज ऑफ द रीजन परसीव्ड इन द फेस ऑफ द ऑनगोइंग हाइटेंड ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी व्हिच हैज बीन एग्जासर्बेटेड बाय द वॉर इन यूक्रेन, क्लाइमेट चेंज एंड नेशनल पॉलिसी रेस्पॉन्स टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इसका मतलब क्या है, मतलब ये सब ये किसने बोला, ये जो लीडर्स थे ये किसने किसका लीडर थे, मतलब एशिया इंडिया जो समिट हुआ था, इसी एशिया इंडिया समिट में जो जो लीडर्स थे, जो जो कंट्री का मैन मैन लीडर थे, उन्होंने बोला कि हम अंडरस्कोर करेंगे। अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है, अंडरस्कोर का मतलब होता है अंडरलाइन, अंडरलाइन करेंगे हम, मतलब पहचानेंगे इनको, इनको एम्फासिस देंगे, एम्फासाइज बोल सकते हैं, इनको एम्फासाइज बोल सकते हैं, इनको इनके ऊपर हम स्ट्रेस देंगे, जोर देंगे इनके ऊपर, इनके ऊपर हम इनको हम हाईलाइट करेंगे, ये सब अच्छा अच्छा वर्ड हो सकता है हमारा अंडरस्कोर के लिए, ठीक है, इसको हम पॉइंट आउट करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। तो ये सब रहा हमारा अंडरस्कोर का मतलब, अंडरस्कोर द शेयर्ड वल्नरेबिलिटी, शेयर्ड वल्नरेबिलिटीज का मतलब एक कंट्री का वीकनेस है, अभी सभी कंट्री का तो कुछ कुछ वीकनेस होगा, सो ये इसी के चलते, इस ये जो वीकनेस के चलते हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो जो इन इन सब देशों में हम न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, द रीजन परसिप्स इन द फेस ऑफ ऑनगोइंग हाइटेंड ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी। किस किस रीजन में, कि जो जो मतलब ये अनसर्टेनिटी चल रहा है इस टाइम में, जो भी हमारा फूड इनसिक्योरिटी देखा जा रहा है लोगों को, या फिर बच्चों को फूड नहीं मिल पा रहे, इसी के चलते हम इसी चीज के ऊपर ध्यान देंगे, व्हिच हैज बीन एग्जासर्बेटेड बाय, ये चीज और भी मतलब एग्जासर्बेट का मतलब क्या होता है, और भी डाउन हो जाना, और भी डिसइम्प्रूव हो जाना, एग्जासर्बेट का मतलब वर्सन हो जाना, बताया था वर्सन, वर्सन का मतलब और भी खराब हो जाना, किसके चलते, वार और यूक्रेन के, वार इन यूक्रेन, जो यूक्रेन रशिया का वार के चलते ये और भी खराब हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट के चेंज की वजह से भी ये खराब हो रहा है, नेशनल पॉलिसी रेस्पॉन्स टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर,
मतलब अभी जो इन्फ्लेशन के चलते जितना भी इन्फ्लेशन अगर होगा, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इन्फ्लेशन को कमाएगा। जैसे कि हमारा इन्फ्लेशन होता है, हमारे इन्फ्लेशन में आरबीआई का ये काम है कि वो इन्फ्लेशन को कमाए। आरबीआई को ये टारगेट दिया गया है कि भाई बेटा इन्फ्लेशन जो हो रहा है ना, इसको 2% से 6% के बीच में रखना है, इतना बढ़ना चाहिए, मतलब इन्फ्लेशन 7% नहीं बढ़ना चाहिए, ये इसका ड्यूटी है। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर बनता है, तो इसी प्रेशर के चलते आरबीआई बहुत सारा गाइडलाइन बनाता है, जिसी गाइडलाइन के चलते और कुछ चीजें भी मतलब अफेक्ट होते हैं। तो इसीलिए बोला जाए रेस्पॉन्स टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ये सब के चलते फूड इनसिक्योरिटी देखा जा रहा है। इंडियाज रिसेंट कर्व्स ऑन एक्सपोर्ट, रिसेंट कर्व्स का मतलब क्या होगा, बैन, एब्रोग्रेट बोल सकते हैं, एबोलिस बोल सकते हैं, सस्पेंड, ठीक है, एनोल, ये सब अच्छा अच्छा वर्ड हो जाएगा, नलीफाई, नलीफाई। सो अभी इंडिया इंडिया क्या किया रिसेंटली, बैन कर दिया किसको, ऑन एक्सपोर्ट ऑफ राइस। जो हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं ना, इंडिया के पता है एग्रीकल्चर कंट्री है, तो हम बहुत ज्यादा राइस बनाते हैं, तो इस राइस को हम एक्सपोर्ट करते हैं, अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे कि अलग देशों से पैसा आता है। सो कर्व्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ राइस हैव ट्रिगर्ड, ये तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, सम अलार्म्स, और भी वार्निंग्स, वार्निंग्स को बढ़ा दिया, ठीक है। मतलब हमने जब ये एक्सपोर्ट को बंद कर दिया, राइस का एक्सपोर्ट को हमारे देश से बंद कर दिया, क्योंकि देखो सभी कंट्री में प्रॉब्लम चल रहे हैं और हमारा कंट्री में भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी हम मतलब इसी टाइम में अगर बहुत सारा काम करेंगे, बड़ा बड़ा काम करेंगे, अलग देश को फ्री में चावल वावल बटेंगे, तो हमारे देश में भी लोग मर जाएंगे। सो पहले अपना देश जिंदा होना चाहिए, फिर बाद में अलग देश का सोचेंगे हम। सो इसी के चलते इंडिया ने एक्सपोर्ट ऑफ राइस को बैन कर दिया, जिससे कि और भी ज़्यादा वार्निंग, अलार्मिंग सिचुएशन का पैदा हुआ। विद द प्राइसेस ऑफ द रीजनल स्टेपल रिपोर्टेडली नियरिंग ऑफ 15 ईयर्स हाई, स्टेपल रीजन, स्टेपल रिपोर्ट, स्टेपल का मतलब क्या होता है, जो हमारा मेन फूड होता है, मेन फूड का मतलब जो राइस होता है, तो राइस को हम स्टेपल फूड बोलेंगे, जो आप मेजरली खाते हो। इससे क्या हुआ, इसके चलते ये प्राइस भी हाई हो गया, ठीक है। विद द प्राइस ऑफ द रीजनल स्टेपल रिपोर्टेडली नियर 15 ईयर्स हाई, मतलब 15 वर्षों का हाई हो गया, मतलब 15 वर्षों में, अभी से लेके 15 वर्षों में जितना ये दाम बढ़ने वाला है वो 1 साल में ही बढ़ गया, इसी का ये बताया जा रहा है। द ऑनसेट ऑफ द, ऑनसेट का मतलब कमिंग, कमिंग का मतलब आना, ऑनसेट ऑफ एन एलिनो, एक फेनोमेनन, एक वेदर फेनोमेनन होता है, जिसके चलते हमारा इंडियन मानसून अफेक्ट होता है। इंडियन मानसून में जो बारिश होता है ना, रेनफॉल, ये रेनफॉल डिक्रीज हो जाता है अगर एलिनो होता है तो। ये कहाँ पर होता है, ये पैसिफिक ओशन में होता है। सो एलिनो के कारण भी, जो कि एक हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद डिसरप्टिव वेदर, डिसरप्टिव का मतलब ये वेदर को क्या करता है, मतलब थमा देता है, कमा देता है, डिसरप्टिव मतलब ब्रेक कर देता है वेदर इवेंट्स, वेदर इवेंट्स को ये ब्रेक ब्रेक कर देता है। जैसे कि ये आएगा तो हमारा इंडियन मानसून जो है ये थोड़ा ब्रेक हो जाएगा, कुछ अनसर्टेनिटी देखा जाएगा। क्विस द ग्राउंड फर्दर, क्विस का मतलब डैमेज कर देता है, डैमेज, स्पोइल, तो ये तो बहुत सारा प्रॉब्लम था, फिर भी इस साल क्या हुआ, एलिनो हुआ, जिससे कि जो कि एक बहुत ज्यादा वेदर के लिए बहुत ज्यादा खराब चीज माना जाता है। इसके साथ हमारा जो ग्राउंड है, अरे पानी नहीं आएगा तो ग्राउंड ऑब्वियसली स्पॉइल होगा, डैमेज हो जाएगा, एंड एशियन लीडर्स आर जस्टिफिएबली वरी। तो इसीलिए अभी जो एशियन लीडर है, ये सब कारण के चलते वो वरी है। वरी का मतलब क्या है, वरी का मतलब केयरफुल है, मतलब सभी चीज को ध्यान दे के देखना चाहिए, केयरफुल, कॉशियस, कॉशियस बोल सकते हैं, केयरफुल बस बोल सकते हैं, केयरफुल। सो इतना रहा हमारा टुडेज एडिटोरियल का डिस्कशन। अगर कोई चीज में आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगर सेशन अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक और कमेंट कर देना, और सेशन को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हम डेली बेसिस में यहाँ पर एडिटोरियल एनालिसिस करने वाले हैं, ऐसे ही आप नए चीज़ जानने को पाएंगे अगले ही सेशन में। सो इसी के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।